वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ रीच। आज का वीडियो हम जानेंगे ब्लीच करने का सही तरीका। गाइस, आजकल मार्केट में तो कई तरह के ब्लीच मिलते हैं, काफी अच्छे ब्रांड के होते हैं। जैसे अभी हमारे पास काफी लेटेस्ट काफी अच्छे ब्रांड की ब्लीच है, जैसे आपका ऑक्सी लाइफ ब्लीच है, सेरल हमारे बहुत अच्छा सेरल कंपनी का है, इसका ब्लीच बहुत अच्छा लगता है, इसमें काफी ग्लोइंग आता है एंड फेम है। और सबसे बेस्ट आप ओ थ्री तो आप सबको ही पता होगा। तो जब हम कोई भी फेशियल करते हैं, तो अभी जैसे O3 का अगर हम फेशियल करते हैं तो O3 का ब्लीच अप्लाई करते हैं, अगर ऑक्सी लाइफ के हम फेशियल करते हैं तो ऑक्सी लाइफ का ब्लीच अप्लाई करते हैं, अगर हम सेरल का करते हैं तो सेरल का फेशियल में ही वो फेशियल और ब्लीच इंक्लूड करते हैं, तो इससे काफी अच्छा इफेक्ट और ग्लोइंग आता है। गाइस, अगर आप फर्स्ट बार ब्लीच अप्लाई करते हैं तो पहले एक बार आप अपने स्किन पे टेस्ट करके ही देखें कि साइड इफेक्ट तो नहीं होता है। अगर साइड इफेक्ट नहीं होगा तो आप अपने फेस पर ब्लीच काफी अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ब्लीच तो हर कंपनी के हर ब्रांड के आते हैं, बट करने का तरीका बहुत अच्छा और परफेक्टली होना चाहिए। अगर आप ब्लीच अच्छे से यूज करेंगे और तो स्किन पर कोई भी रेडनेस नहीं होगा, कोई डैमेज नहीं होगा और इरिटेशन भी नहीं होगा। तो सो गाइज, आज मैं आपको ऑक्सी लाइफ का ब्लीच अप्लाई करके बताऊंगी कि ये ऑल स्किन सब पे कर सकते हैं, ये नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये ब्लीच बहुत अच्छी होती है। इसमें आपका डार्क स्पॉट्स किसी की स्किन पे होता है उसके लिए बहुत बेस्ट है। अधिकतर स्किन बहुत डलनेस होती है, स्किन अनइवन से होते हैं, पैची स्किन होते हैं, तो इसके लिए ऑक्सी लाइफ अभी मेरे को बहुत ये बेस्ट लगता है। और इससे कोई रेडनेस नहीं होता है, कोई ईचिंग नहीं होती है, कोई सो गाइस, आपको मैं एप्लीकेशंस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपको मैंने बताया था कि ये जो ब्लीच ऑक्सी लाइफ है तो ये डार्क स्पॉट्स के लिए है। तो हमारी क्लाइंट के देखिए काफ़ी डार्क स्पॉट हैं, आप देख रहे हैं डार्क स्पॉट्स भी हैं एंड डल स्किन है, तो ये डल स्किन भी हमारे देख रहे हैं, स्किन पूरी हमारे क्लाइंट के पूरे फेस पे डलनेस भी दिख रहा है एंड आपका ये इधर स्किन टोन अनइवन भी नहीं है, बहुत पैची स्किन भी दिख रही है। इधर की टोन आपका दिख रहा है थोड़ा सा ब्लैकिश एरिया एंड इधर ब्लैकिश एरिया, तो इन हमारे जो ये क्लाइंट हैं इन पे ये ऑक्सी लाइफ ब्लीच जो है वो बेस्ट है। तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ग्लो देता है और स्किन को नरिशमेंट करता है। तो स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम लोग ऑक्सी लाइफ से इनका पहले फेस क्लीन करेंगे। हम लोग डायरेक्ट ब्लीच नहीं अप्लाई करेंगे, पहले हम लोग क्लींजिंग जेल से फेस को क्लीन करेंगे। तो सो गाइस, पहले तो हम लोग नॉर्मल वाटर से फेस क्लीन करेंगे, डायरेक्ट क्लींजिंग भी नहीं करते हैं क्योंकि डस्ट रहता है, बाहर से आते हैं तो डस्ट रहता है, सन का भी इफेक्ट रहता है। तो पहले हम लोग नॉर्मल वाटर से फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, देन अप्लाई क्लींजर। गाइज, आपको मैंने फेशियल में क्लींजर के स्टेप्स बताए हुए हैं, तो आप हमारे पहले वाली वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं जिसमें हमने फेशियल के पूरे अच्छे से स्टेप बताए हैं कैसे आपको क्लींजर करना है। तो पहले फेस को अच्छे से हम क्लीन करेंगे। नॉर्मल वाटर से फेस को क्लीन करेंगे। डाई नैपकिन से अच्छे से वाइप करेंगे, फेस एकदम वेट नहीं होना चाहिए। ये ऑक्सी लाइफ का नेचर्स रेडिसंस की ब्लीच है, इसको अप्लाई करने से फेस पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जैसे कि ब्लीच करने से क्या होता है कि रेडनेस हो जाता है, ईचिंग हो जाता है होता है, तो ये चीज़ अप्लाई करने से प्री पोस्ट ब्लीच अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारे फेस को प्रोटेक्ट करता है।
फिंगर से ऐसे अप्लाई कर देंगे। इसको लगाने से फेस पे इचिंग नहीं होगी, रेडनेस नहीं होगा। तो प्री ब्लीच लगाना बहुत जरूरी होता है। गाइस 10 मिनट्स हो गया है, तो 10 मिनट्स के बाद हमें ब्लीच को चेक करना चाहिए। गाइस आप देख लें कहीं रेडनेस नहीं है, कहीं इचिंग भी नहीं है। तो आपको प्री क्रीम लगाने से क्या होता है, रेडनेस और इचिंग नहीं होगी। अभी हमारा वैसे 10 मिनट्स हो गया है, हेयर भी इनके अच्छे गोल्डन भी हो रहे हैं। हमारे क्लाइंट को ज़्यादा गोल्डन नहीं चाहिए, तो नेचुरली हेयर मैंने रखा है इनका, और आपको नेचुरल हेयर ही ज़्यादा बेस्ट लगता है, ज़्यादा गोल्डन हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो मुझे एक चिक्स बोन पे चेक करना चाहिए, चिन एरिया पे, देन नोज। आप देख लें कहीं पर भी रेड नहीं दिख रहा है इनके फेस पे। आपको आपकी लाइट ब्लीच बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। चेक कर लेंगे फिर से, पतली लेयर में अप्लाई कर लेंगे। अभी 5 मिनट्स और वेट करेंगे हम। सो गाइस 5 मिनट मैंने वेट करने के लिए बोला तो हो गया है। मैंने 15 मिनट्स रखा था ब्लीच। तो निकालने का आपका सही तरीका होता है कि आप पहले नाइफ से ब्लीच निकालिए, डायरेक्ट नैपकिन से निकालेंगे ये नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट नैपकिन से ब्लीच निकालेंगे फेस पे एंड थोड़े से फेस और लिप्स वगैरह पे भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अच्छा लगता है। आप एक प्रोफेशनल तरीके से अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है इनका। वेट नैपकिन से फेस को क्लीन करेंगे। ये ब्लीच हम रिमूव हो गया। अब इसके ब्लीच करने के बाद हमें पोस्ट ब्लीच क्रीम अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। रिजल्ट इनका बहुत अच्छा है ऑक्सीलाइफ से। फेस के अकॉर्डिंग अगर आप वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो मैंने फेस, अगर कुछ भी इचिंग और रेडनेस फील भी हो रहा होगा तो पोस्ट ब्लीच आप लगा के, पोस्ट